हाउ टू रिमूव ट्रू कॉलर स्पैम रिपोर्ट। दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग भी ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करते हैं। या मान लीजिए कोई भी बंदा आपको कॉल करता है आपके नंबर पे, तो उसकी स्क्रीन पर जो ट्रू कॉलर स्पैम में आपका नंबर दिखाता है उसको आप कैसे हटा सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप अपने नंबर की स्पैम रिपोर्ट को पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हाउ टू रिमूव ट्रू कॉलर स्पैम रिपोर्ट। अपन अपने नंबर की स्पैम रिपोर्ट को कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आपके मोबाइल में ट्रू कॉलर का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं अपना नंबर आपको डाल के दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे आ रहा है, मैंने सर्च करा हुआ था, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि 18 लोगों ने इसमें रिपोर्ट दी हुई है। ठीक है, जबकि मैं कोई फेक बंदा नहीं हूँ, लेकिन किसी कारण से मैंने कुछ लोगों के फोन अटेंड नहीं करे हैं, इसलिए कुछ लोग जल्दी मतलब ख़राब माइंड से वो रिपोर्ट कर देते हैं, जिसमें क्या होता है ट्रू कॉलर उसको स्पैम में ले लेता है। तो देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा नाम लिखा आ रहा है और यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपके लिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कॉल एक्टिविटी। तो यहाँ आपको बता रहा है कि 60 दिन में 690 कॉल मेरे नंबर पे आए हैं, जिसमें से 18% लोगों ने मेरे को इनमें रिपोर्ट दी हुई है। ठीक है ना, तो जो अधिकतर जो कॉल आए वो समथिंग 3 PM से लेकर 6 PM के बीच में आए हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपके नंबर की स्पैम रिपोर्ट को रिमूव करने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान देना होगा। चलिए बात करते हैं किन किन चीज़ों का। सबसे पहले जो आपके मोबाइल में ट्रू कॉलर का जो एप्लीकेशन है उसको आपको उसी नंबर से लॉगिन करना होगा जिस नंबर पर आपका ट्रू कॉलर में स्पैम रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, मतलब कि जिस नंबर की आप स्पैम रिपोर्ट को रिमूव करना चाह रहे हैं उसी नंबर से आपको इसको ओपन करना होगा, लॉगिन करना होगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ चेक कर लीजिएगा ऊपर अच्छे से, ये तीन लाइन पे आप देख पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जो आपका नंबर खुला है आपका नाम क्या दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं ऐसा आ रहा है। तो ये आप जो मेरा नंबर देख पा रहे हैं मेरी कंपनी है। ठीक है, यहाँ आपका नंबर और नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। अब सिंपल करना क्या देखिए बताना चाहूँगा, यहाँ आप जो देख पा रहे हैं लिखा है सर्च नंबर नेम एंड मोर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके आपका जो भी नंबर है उसी नंबर को सर्च करना होगा। चलिए मैं अपना नंबर सर्च कर लेता हूँ, ये मैं यहाँ सर्च करता हूँ। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं भाई ये मेरा नंबर आ चुका है क्योंकि स्पैम में आ रहा है। सबसे पहले आपका जो भी नंबर आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो आएगा। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में तीन स्टेप बताने वाला हूँ दोस्तों, और मेरा वादा है आपने इन तीनों स्टेपों को फॉलो करा तो आपका 100% जो ट्रू कॉलर स्पैम रिपोर्ट दे रहा है वो हट जाएगा। सबसे पहले करना क्या होता है आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अनब्लॉक, देखिए ये वाला सिंपल देख पा रहे हैं ये वाला। ठीक है, आपको इसको कर देना क्लिक, इस पर क्लिक करने के बाद इसको कर दीजिए ओके। ठीक है, आप देख पाएंगे आपके जो नंबर है वो रेड से अब यहाँ पे ग्रीन हो चुका, मतलब अपना नीला हो चुका, मतलब ब्लू हो चुका। ठीक है, आपको पहले स्टेप फॉलो करना है। सेकंड, आपको बैक आना होगा, यहाँ पे बैक आने के बाद पूरा बैक आइएगा, इसको पूरा बंद कीजिएगा ट्रू कॉलर को। अब फिर से आपको ट्रू कॉलर को ओपन करना होगा। ठीक है, ओपन कीजिएगा, जैसे ही आप ट्रू कॉलर को ओपन कर लेते हैं ध्यान दीजिए ऊपर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको तीन लाइन देखने को मिलेंगी, आपको सिंपल इन तीन लाइन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप तीन लाइन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है। ठीक है, सबसे पहले करना क्या होगा, आपको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखिए इस पर लिखा होगा सेटिंग, ये देखिए। ठीक है, सिंपल आपको सेटिंग पर क्लिक करना होगा। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आते हैं, जनरल साउंड एप लैंग्वेज कॉलर आईडी डेट डाटा स्टोरेज मैसेज ब्लॉकिंग, ठीक है, बैकअप वगैरह कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा प्राइवेसी सेंटर पर, ये वाला। ठीक है, क्लिक कीजिएगा, जैसे आप प्राइवेसी सेंटर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करना होता है तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखिए रिस्ट्रिक्ट प्रोसेस माई डाटा, देखिए ये वाला। ठीक है ना, देख सकते हैं अच्छे से। सिंपल आपको पहले इस पर एक बार क्लिक करना होगा, वन टाइम क्लिक कर दीजिएगा और आपके सामने ऐसा लिखा आएगा, भैया वी डीएक्टिवेट योर अकाउंट, यू विल डिलीट योर प्रोफाइल डाटा, डू यू विश टू कंटिन्यू, तो आपको सिंपल यहाँ पे एस पे क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक कर देते हैं, जैसे आप एस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। मैं आपको जो स्टेप बता रहा हूँ आपको वो पूरी तरीके से फॉलो करना है।
अगर आप कोई भी स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो स्पैम रिपोर्ट वो नहीं हटेगा। मैंने अभी आपको सभी सेकेंड स्टेप बताई है, इसके बाद में आपको जो दो स्टेप बताने वाला हूँ वो भी आपको फॉलो करना होगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना है, अभी यहाँ आप देख पा रहे हैं लोडिंग चल रही है। और दोस्तों मेरा वादा है 100% अगर आप लोग इस पूरी स्टेप को फॉलो करेंगे तो टेक्निकल सर्जी यूट्यूब चैनल आपको गारंटी देता है कि आपकी जो स्पैम रिपोर्ट की जो प्रॉब्लम वो तो पूरी तरीके से हट जाएगी। आपको ये कर देने के बाद कुछ भी नहीं करना होता, एक बार पूरा ट्रू कॉलर को आप बंद कर दीजिएगा, ठीक है। बंद करने के बाद अब सिंपल कुछ भी नहीं करना, फिर से आपको ट्रू कॉलर को ओपन करना होता। चलिए ओपन करेंगे, जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। अब सिंपल आपको क्लिक करना होगा गेट स्टार्टेड पे, ठीक है, क्लिक कर दीजिएगा। जब गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बाय डिफॉल्ट आपका मोबाइल नंबर जो रहता है मोबाइल में वो देखने को मिल जाता है। अगर आप नंबर चेंज करना चाहते हैं तो इंटर मोबाइल नंबर मैनुअल पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ बाय डिफॉल्ट नंबर लिखा आ रहा है, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ की प्राइवेसी पॉलिसी लिखी हुई है, आपको सिंपल चाहे तो पढ़ सकते हैं या एग्री टू कंटिन्यू या एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपके नंबर को वेरीफाई करेगा ट्रू कॉलर, वो ये कंफर्म करेगा कि भाई आपका जो मोबाइल है उसमें ये सिम लगी है या नहीं लगी है। तो आप देख पा रहे हैं इसने वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। अब सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपको किसी तरीके से इसको लॉगिन कर लेना होता है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे गूगल अकाउंट के माध्यम से लॉगिन कर लेता हूँ। आप चाहे तो फेसबुक के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं या किसी भी अकाउंट के माध्यम से या मैनुअली भी डालकर उसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। आप देख पा रहे हैं मैं अपना आईडी जो जीमेल आईडी थी उसको मैंने डाल दिया है और यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको अपन यहाँ पे ऐसा आएगा तो आपको सिंपल यहाँ पे नीचे देख रहा है लेटर, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आपको करना क्या वो ध्यान दीजिए, इसको पहले क्लोज कर दीजिए, बैक कर दीजिएगा। अब फिर से आपको सिंपल ऊपर आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 लाइन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर से क्लिक करिएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ध्यान दीजिए यहाँ फिर आपको देखने को मिलेगा सेटिंग, ये भी लिखा हुआ है। सिंपल आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे आपको फिर से प्राइवेसी सेंटर पर आना होगा, देखिए लिखा हुआ है ये, देखिए सिंपल क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर वही ऑप्शन खुल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या थोड़ा चेंजेस करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस वाले पे क्लिक करना होगा डीएक्टिवेट, ये वाले ऑप्शन पे, ठीक है ना, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको सिंपल यहाँ पे एस पे क्लिक करना होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको फिर एस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा। ये होगी दोस्तों आपकी तीसरी स्टेप। अब बची आपकी 4th and last step, ठीक है, उसको भी आपको फॉलो करना है। जब तक वो फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपकी ये तीनों स्टेप बेकार है, तो इसलिए पूरी वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ अपन थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी ये पूरा लोडिंग हो रहा है और आपकी प्रोफाइल को जो पूरी तरीके से डिटेक्ट कर रहा है। आपको बताना चाहूँगा जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ उससे होता क्या है, ट्रूकॉलर का जो सर्वर है मतलब जो भी उसका मेमोरी कार्ड है या आप कुछ भी समझ लीजिए, तो उसकी मेमोरी में जो भी आपका डाटा मतलब सेव है या जो आपके कॉल आए हैं या जो भी स्पैम है, तो पूरी तरीके से यहाँ से हटा देगा, क्योंकि पूरी प्रोफाइल को डिलीट कर देगा। आप देख पाएंगे पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, अब कुछ भी नहीं करना, आपको इसको पूरा क्लोज कर दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, आपके मोबाइल में जो भी ब्राउजर हो, गूगल क्रोम हो या कोई भी अदर ब्राउजर हो, उसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ओपन करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर सर्च करना है ट्रू कॉलर, लिखिएगा, मैं लिखता हूँ ट्रू कॉलर लिखेंगे और लिखेंगे अपन अनलिस्टेड, देखिए ये लिखा हुआ है, वो देखिए ये वाला सिंपल ये वाला, इस पर आपको ये लिख देना है, ठीक है, लिख दीजिएगा ट्रू कॉलर अनलिस्टेड, ठीक है। ये लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये वाला पहले नंबर पर वेबसाइट आएगी ट्रू कॉलर की ऑफिशियल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे 10 सेकंड वेट कीजिएगा तो यहाँ आपके सामने ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब बताना चाहूँगा जो भी नंबर आपका आप जिसकी स्पैम रिपोर्ट हटाना चाह रहे हैं सिंपल आपको यहाँ पे उसको डालना होगा। उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो अपन ने प्रोसेस करी हुई है उसका जो पूरी तरीके से रिजल्ट है आपको 24 से 48 आवर्स में देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब हैंड टू हैंड नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो सर्वर होता है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से हटाने में 24 घंटे से लेकर कम से कम 48 घंटे लगाता है। यहाँ इस पर लिखा हुआ दे सकते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ आपको अपने जो मोबाइल नंबर इसका हटाना चाह रहे हैं वो मोबाइल नंबर डालना होता है। डालने के बाद आपको सिंपल नीचे यहाँ लिखा हुआ आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर क्लिक करना होता है। चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अनलिस्ट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फिर से अनलिस्ट, ठीक है, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ 1 मिनट हुआ नहीं है, 1 मिनट रुक जाइए, फिर से कर देते हैं। ये क्लिक करा अपन ने, ये देखिए हो गया है, ठीक है। इतने प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब जो ट्रू कॉलर है अब आपके जो भी डाटा है उसको पूरी तरीके से रिमूव कर देगा, ये मान लीजिए 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स में, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको अब करना क्या उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब सिंपल इस पूरे को बंद कर दीजिए,
बंद करने के बाद आपका जो भी नंबर है, ये जो प्रोसेस आपको करना है, इतनी करने के बाद आपको मान लीजिए एक दिन बाद आपको फिर से उसी नंबर से ट्रूकॉलर पे अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा और अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन डालना होगी। तो उससे होगा कि आपका फ्रेश अकाउंट बन जाएगा और एकदम बिल्कुल क्लीन अकाउंट बनेगा जिसमें कोई भी स्पैम रिपोर्ट वगैरह नहीं रहेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं आपसे जो निवेदन करूँगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूट्यूब वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।